भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करें, सुनाते हैं आपको। बार अमेरिका के सांसदों ने खड़े रहकर माननीय मोदी जी को सम्मान दिया उनके भाषण के बीच में, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने भारत के योग को ज्ञान को विज्ञान को अध्यात्म को पर्यावरण को वसुदेव कुटुंबकम के संदेश को विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवंतु सुखिना के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलॉसफर भी हैं, और इससे आगे बढ़ के कहूं तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं, जिस स्नेह से और प्रेम से विदेश की यात्रा समाप्त करके वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं। अपने आप में ये अद्भुत बात है मेरे कार्यकर्ता बहनों, ये अद्भुत है सचमुच में। आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम के आधार पर। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका स्वागत करता हूं इस संकल्प के साथ कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था महानिशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रंजी समाप्त हुई जान पड़ती है। भारत माता एक बार अंगड़ाई लेके फिर से उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। मैं भाव भरे हृदय से कहता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है, भारत विश्व गुरु होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए भी जरूरी है और प्रदेशों के लिए भी जरूरी है। और इसलिए आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं उनमें हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठन कौशल में और आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ पर जो परिश्रम आप करेंगे, बूथ जीता तो चुनाव जीते, इस मंत्र के साथ आप चुनाव के मैदान में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और 2024 में ऐतिहासिक बहुमत से फिर हम जीतेंगे और मोदी जी फिर देश का और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का और आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, और मध्य प्रदेश में इसलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।